कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने AIUDF सांसद बद्रुद्दीन अजमल के महिलाओं और हिंदू समाज पर दिए गए बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है और कहा कि किसी माँ की कोख को खेत की तरह नहीं देखा जा सकता। शर्मा ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अजमल जैसे लोगों के बयानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो उनसे अधिक बच्चे पैदा करने को कहते हैं। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को दिए संदेश में कहा कि परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखें ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। वहीं शर्मा ने बोगई गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजमल के बयानों पर पलटवार किया। ये क्षेत्र दुबरी के पास है जहां से अजमल लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, ऐसे लोगों के बयानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिन्हें वोट के लिए उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए लेकिन अजमल की बात मत सुनिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए ताकि आप उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सके और उच्च स्तर तक खिलाड़ी, डॉक्टर और इंजीनियर बना सके। जिलार बाबे आटाइतकै गुरुत्वपूर्ण बातरी जे बंगाईगांवत आमी एखन अति सुंदर आरु सकलो फालर पराय एक प्रकार कब गले आधुनिक सौहद स्टेट अफ आर्ट मेसिनारी একেবারে সকলো ফালৰ পৰা সুসজ্জিত বঙাইগাঁৱত আজি আমি এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ইয়াত আমি সমবেত হৈছো। আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয় যে বঙাইগাঁৱত আমি এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু 610 কোটি টকা এই আঁচনিখনৰ বাবে আমি ব্যয় কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছো। আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে 3 বছৰৰ ভিতৰত এই সমগ্র প্রকল্প আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। বঙাইগাঁৱত আমি প্ৰায় 50 কোটি টকা খৰচ কৰি এটা সুন্দৰ ডিচি অফিচ আজি আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো। যিটো ডিচি অফিচ G+6 অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড মহলাক যদি আমি ধৰি লওঁ, 7 মহলা যুক্ত এটা বিশাল ভৱন হ'ব। এই ভৱনত আমি চেষ্টা কৰিম যে বঙাইগাঁৱত খিচৰিত হৈ থকা ট্ৰেজাৰী অফিচে হওক, যিমানবিলাক বঙাইগাঁৱত কাৰ্যালয় খিচৰিত হৈ আছে, সেই কাৰ্যালয়বিলাককে আমি ডিচি অফিচলৈকে লৈ আহিম যাতে ৰাইজে বিভিন্ন অফিচত গৈ থাকিব নালাগে। ইয়াত আমাৰ পৰিকল্পনা মতে আৰু এটা দ্বিতীয় ভৱন আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত, য'ত হেলথ, এডুকেশ্যন, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল সকলোবোৰ এটা চৌহদে থাকিব। বেলেগ বেলেগ জায়গাত বঙাইগাঁও ৰাইজে যাব নালাগে, একেটা চৌহদৰ পৰা আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিম। অহা বছৰ আমি বঙাইগাঁৱত এটা সেই ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচৰ লগতে আৰু এটা সুন্দৰ চাৰ্কিট হাউচৰ নিৰ্মাণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছো। মই ভাবো যে বঙাইগাঁৱৰ উন্নতিৰ বাবে ই এক নতুন মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰব। AIUDF अध्यक्ष अजमल ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि महिलाओं और हिंदुओं के साथ ही शर्मा के खिलाफ भी बयान दिया था। उनके इस बयान को लव जिहाद पर मुख्यमंत्री के बयान का जवाब माना जा रहा है। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1-2-3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। वहीं बोगई गांव के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के लिए विकास का एक पखवाड़ा योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अजमल जैसे लोग सोचते हैं कि बोगई गांव और दुबरी जैसे असम के निचले इलाकों में शिक्षा और विकास नहीं पहुँचेंगे और वे इन इलाकों की महिलाओं को ऐसा जता रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, अजमल जैसे लोग सोचते हैं कि बोगई गांव और दुबरी जैसे असम के निचले इलाकों में शिक्षा और विकास नहीं पहुंचेंगे और वे इन इलाकों की महिलाओं को ऐसा जता रहे हैं जैसे वे बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री हैं। शर्मा ने कहा कि अजमल कहते हैं कि उपजाऊ जमीन पर बीज बोए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हमारी माताओं के गर्व खेत की तरह हैं? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अजमल इन बच्चों के पालन का खर्च उठाने को तैयार है तो मैं सभी से कहूंगा कि 10 से 12 बच्चे पैदा करें। हम आपको बता दें कि अजमल ने हिंदुओं को कम उम्र में शादी की सलाह दी थी ताकि मुसलमानों की तरह अधिक बच्चे पैदा करें। अजमल की इस टिप्पणी की निंदा होने और पूरे राज्य में कई जगहों पर इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सांसद ने अगले दिन माफी मांगी और कहा कि वह अपने बयानों से उठे विवाद को लेकर शर्मिंदा हैं और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया क्योंकि उन्होंने किसी समुदाय पर निशाना नहीं साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। के अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।